टेंथ में मुझे 69 मार्क्स आए थे और ट्वेल्थ में 69 थे परसेंट। मतलब मैंने उससे भी मतलब बोला कि साला किस्मत में है मेरी, फोन नंबर में भी जो रैंडमली लिया था मैंने उसमें भी 69 था। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ ड्यूअल फिस्ट आर्मी। और गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ सवाल स्काई लॉर्ड से जो कि उनके फ्रेंड्स उनसे करना चाहते हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और आई थिंक कि आपके मन में सवाल होगा कि भाई तुम स्काई लॉर्ड से कैसे मिले, भाई बता दो ना, प्लीज बता दो भाई कैसे मिले आप स्काई लॉर्ड से। तो हाँ थोड़ा सा रुको जरा सबर करो। तो बात कुछ जैसे कि आज से करीब 3 से 4 दिन पहले मेरे एग्जाम चालू होते हैं, तो मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखकर पढ़ रहा था, ठीक है। तभी मैंने स्कॉलर का वीडियो देखा कि तब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है। तो मैंने मतलब कि एक ख्याल आया मेरे को कि क्यों ना अपन स्कॉलर साथ में क्यों वीडियो बनाए जिसमें हम उससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो फिर मैं गया अपने इंस्टाग्राम पर और जाकर मैंने स्कॉलर को एक मैसेज किया कि मेरा नाम वरुण है और मेरा यूट्यूब चैनल है ड्यूअल फिस्ट आर्मी नाम का और आई वांट टू मेक अ वीडियो विद यू, मैं आपके साथ में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो करीब 2 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन भाई साहब 3रे दिन स्कॉलर ने रिप्लाई किया कि अच्छा चैनल है लगे रहो और कैसे वीडियो बनाना है। मतलब कि स्कॉलर ने मैसेज को देखा और वीडियो बनाने के लिए राजी हो गया, ठीक है। उसके बाद तो भाई साहब मतलब कि इतनी खुशी मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कैसे इसका लोगों ने मुझे देखा, रिप्लाई भी कर दिया और मतलब कि मान भी गया। मतलब कि इतना मेरे को खुशी हो रहा था, मतलब कि कैसे बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद मेरी और इसका लोगों की बात हुई कि मेरे को एक Q&A वीडियो बनाना है। उसके बाद इसका लोगों ने मेरे को टाइम दिया कि तुम इस टाइम पे ऑनलाइन आ जाना, लेकिन मैं उस टाइम से करीब आधे घंटे पहले ऑनलाइन आ गया था और वेट कर रहा था इसका लोगों का, ठीक है। उसके बाद हमारा Q&A हुआ, बहुत अच्छा गया, ठीक है Q&A। लेकिन 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 मतलब इतनी बुरी किस्मत है मेरी कि मैं बाद में अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करने भूल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हुई, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको यार। और मेरे पास स्कॉलर के साथ का सिर्फ एक ऑडियो है और एक ये फोटो है, आप लोग देख लीजिए फोटो को, ठीक है, सिर्फ यही बजाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब Q&A विद स्काई लॉर्ड। तो सबसे पहले बात की स्काई लॉर्ड आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो? 21। तो स्काई लॉर्ड की एज है 21 साल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कि आप रहते कहाँ पर हो? इंदौर। इंदौर MP मध्य प्रदेश, राइट। हाँ तो ये तो हुआ अपने थोड़े से बेसिक सवाल कि आप रहते कहाँ पर हो और आपकी एज क्या है। तो अब थोड़ा सा अलग सवाल कि आपने हैकिंग करना क्यों छोड़ दिया और दूसरे हैकर्स को एक्सपोज करना क्यों चालू कर दिया? देखो होता ऐसा था कि हैक सब यूज करते थे, ठीक है, बहुत सारी टीमें थे जो क्वालिफाई करके गई टूर्नामेंट में हैक से, पर नाम मेरा आता था कि सबको मैं दे रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा। तो मैंने बोला ठीक है बंद कर देते हैं, अब ले लो सब खत्म। सही बात है, और क्या। तो अब अगला सवाल कि आपने अपने जो पहले वाली गिल्ड थी टक्स ऑफ इंडिया उसको लीव क्यों कर दिया? होता ऐसा था कि मैं चाहता था उस गिल्ड को वापस से कंटिन्यू कर सकता था, पर बकचोदी ये थी कि वो नाम खराब हो चुका था पूरी तरह से और वहाँ के जो पुराने बंदे थे मतलब जो सेकंड गिल्ड थी वो सब उल्टे से काम करते थे, लाइक किसी को स्कैम कर देना, वो भी हैक से यूज कर रहे, उनके नाम का बिल मेरे ऊपर ही फटता था। तो मैंने बोला झंझट ही खत्म, नया स्टार्ट करेंगे, नया स्टार्टिंग से पूरा नए बंदे और सब कुछ नया नया। तो उसके बाद आई अपनी गिल्ड डाई अनदर डे। तो कुछ बंदों का सवाल है कि आपकी जो गिल्ड है उस गिल्ड का जो नाम है उस नाम का मतलब क्या है? डेड, आज नहीं मरूंगा, डेड मतलब डी मतलब डाय, ए से अनदर, डी से डे, पापा बोलते हैं ना प्यार से। बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कि स्काई लॉर्ड राइट स्टार को हैकर क्यों बुलाता है? अरे पहले देखो एक तरह से हैकिंग और चीटिंग दोनों में एक अंतर, मतलब अंतर कुछ भी नहीं है, एक तरह से कह लो डिस्क्वालीफाई तुमको दोनों में होना है। बस वही बात है कि अभी डिवाइस टेम्परिंग को लेना चीटिंग नहीं मानता है, जिस दिन मानने लगेगा उस दिन राइट स्टार जैसे ही बाहर हो जाएंगे, मतलब DPI बढ़ाना जिसको तुम बोलते हो। सही बात है। तो अगला सवाल है कि आप YouTube से अलग कुछ जॉब करते हो, मतलब कुछ अलग से कुछ जॉब वगैरह कुछ? पब्लिक कर दूंगा कुछ दिन में। अच्छा है। तो अगला सवाल है कि हु इज योर इंस्पिरेशन इन फ्री फायर, मतलब कि फ्री फायर में कोई ऐसा बंदा हो जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए हो? TSG वाले हैं, मतलब ये लोग स्टार्टिंग में पहले कुछ भी नहीं थे, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। उसके बाद जो लोगों ने ग्रो किया ना भाई, एकदम स्लम डॉग मिलियनेयर वाला भयंकर। हाँ सही बात है, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ही भयंकर वाला ग्रो किया है। तो अगला सवाल कि आपको कौन से यूट्यूबर इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में आपको अच्छा लगता है? रॉकी का है काम अभी तो, मस्त टूर्नामेंट कराओ और सबसे फेरो काम, ना कोई वो ना कुछ, मतलब कि वो प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं प्लेटफॉर्म तो क्रिटिकल एक्स का है, पर फिर भी काम सही है उसके। हाँ तो मतलब ये नहीं, ऐसा होता है ना जब टूर्नामेंट चलते हैं, लाइक टूर्नामेंट आप प्रैक्टिस करवा रहे हो तो वहाँ पे PC वालों को अलाउ मत करो, मोबाइल वालों को कराओ, वही लड़ाई थी उससे मेरी। सही बात है। तो अगला उसके बाद अपना अच्छा भाई है, भाई अच्छा भाई दिमाग के मामले में सबसे प्रो यूट्यूबर है। हाँ वो तो है। तो अब अगला सवाल की हु इज योर फेवरेट प्लेयर इन इंडिया? फेवरेट प्लेयर है, अभी तो कोई बदलते जाते हैं, वासियों की टीम के चारों प्लेयर वैसे अच्छे हैं अभी अभी करंट में देखा जाए तो। हाँ जो इस टीम में जो TG वासियों है, अगर अपन के बारे में कुछ कहना चाहें तो दो शब्द कुछ कह दीजिए। वासियों तो बहुत पुराना प्लेयर है यार,
पहले बहुत पहले मेरी वासियों की नहीं बनती थी, मतलब वासियों और हम कस्टम में रहते थे, मैं उसको हैक से मारता था ढूंढ ढूंढ के। तो अब सबसे मेन सवाल कि आपके नेम के पीछे जो 69 लगा है उसका मतलब क्या है 69 का? जब मैंने स्टार्टिंग में पहली बार अकाउंट बनाया था तो मेरा यूजर नेम था sky133769, मैंने उसी को ही मतलब अडॉप्ट कर लिया। तो हमने सुना है कि इसके पीछे कुछ स्टोरी भी है, मतलब 10th में मुझे 69 मार्क्स आए थे और 12th में 69 थे परसेंट, मतलब मैंने उससे भी मतलब बोले कि ये साला किस्मत में है मेरी, फोन नंबर में भी जो रैंडमली लिया था मैंने उसमें भी 69 है। हाँ सही है। तो अगला सवाल कि आप अपनी रियल वॉइस का यूज नहीं करते, आप अपनी वॉइस चेंज करके वीडियो बनाते हो, तो ऐसा क्यों? अगर आप नॉर्मल हेडफोन से रिकॉर्ड करते हो तो आपका पिच जो होता है वो लो आता है, जो बड़े माइक होते हैं उसमें पिच आपका हाई हो जाता है ऑटोमेटिक, इसीलिए मैं रियल वॉइस का यूज करते ही नहीं उसमें। तो अब अगला सवाल कि आपके यूट्यूब से मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम यार यही कोई 50-60 के समथिंग, और अदर मेरी जो अलग जॉब है उसका मिला लिया जाए तो 1,00,000 रुपए। तो बस ये देखो सवाल, तो अब आखिरी सवाल रिक्वेस्ट कि आप मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक ऑन। प्रैंक हो गया आपके साथ, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बेसिकली ये एक प्रैंक था हर उस बंदे के साथ में जो कि इस वीडियो को देख रहा है। अभी आपने जो भी देखा यहाँ पे, जो स्क्रीनशॉट देखा आपने वो फेक था, आपने जो मेरा और स्काईलॉट का ये वाला सीन देखा वो भी फेक था, मतलब सब कुछ फेक था, सिर्फ एक चीज़ की जो आपने स्काईलॉट की वॉइस सुनी वो फेक नहीं थी। वो जब स्काईलॉट के ना करीब 80,000 सब्सक्राइबर्स थे तब उसका एक Q&A हुआ था, तो मैंने वही वीडियो का यूज़ करके उसमें से ऑडियो निकाली और ये वाला Q&A बना दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली एक प्रैंक था आप सभी के साथ में। तो उस वीडियो को पूरा एडिट करने में मेरे करीब 5 दिन लग गए, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।